की कार्यवाही की, तो आपको बताते चले कि विधानसभा में हंगामा करने पर कार्रवाई, ये खबर सामने आ रही है। आरएलपी के तीनों विधायक एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो वैल में पहुंचे थे आरएलपी के विधायक, उन्हें सस्पेंड किया गया है। विधानसभा में हंगामा करने पर ये कार्रवाई, आरएलपी के तीनों विधायक एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर, आरएलपी के विधायक एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। सहयोगी विष्णु का मैं रुख करना चाहूंगी इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं विष्णु, मैं आपके पास आ रही हूं। हमने देखा तस्वीरें जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, विपक्षी पार्टियां किस तरीके से हंगामा कर रही थी पेपर लीक मामले को लेकर। और इस बीच हमने विष्णु ये भी देखा था कि आरएलपी के विधायक वेल तक पहुंच गए और अब ये बड़ी कार्रवाई उन विधायकों के खिलाफ। बिल्कुल मणि, ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सही है क्योंकि आरएलपी विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन में डायस पर पहुंच गए थे और उसके बाद लगातार बीजेपी विधायक भी पहुंचे थे और हंगामा शुरू हो गया था। सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी और उसके बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो उसके बाद आरएलपी विधायकों ने फिर सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार के सामने, विधानसभा के सामने रखने का प्रस्ताव किया, प्रयास किया और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। जब वो नहीं माने तो मार्शल भी उन्हें उठाने और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। मेरे साथ तीनों आरएलपी के विधायक हैं, नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग, इन तीनों से बात करते हैं कि क्या कहना है आपका, किस तरह से कार्रवाई और इस कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पेपर लीक का जो प्रकरण है वो हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है, बड़ा संगीन मामला है और इस लोकतंत्र के इस पावन मंदिर के अंदर आज सारी बातें छोड़ के कम से कम सबसे पहले ये इतना गंभीर मुद्दा प्रदेश का, जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिस तरह से किया, इसके अंदर हमने पुरजोर विरोध किया, सीबीआई जांच की मांग की और सदन जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को हमने रोका, डाइस पे चढ़े और उसके बाद जब सदन वापस जुड़ा तो फिर हमने ये मांग की भाई इसकी सरकार हमें भरोसा दिलाए कि सीबीआई जांच हम लोग कराएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने हमें बार बार बैठने का कहा और उसके बाद हम तीनों को इस आज के लिए सस्पेंड किया। उसके बाद मार्शलों के द्वारा हमें बाहर निकाला गया। आज लोकतंत्र का जिस तरह से चीरहरण हुआ, सत्ता में बैठे लोगों ने तो लोकतंत्र का चीरहरण कई बार किया, लेकिन सबसे बड़े ताज्जुब की बात आज ये रही कि पेपर लीक जैसे संगीन मामले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मूक दर्शक बनी रही। हम विपक्ष में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ हर मुद्दे पे खड़े रहते हैं, लेकिन जब हमें तीनों विधायकों को मार्शलों द्वारा बाहर निकाला गया तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया, क्योंकि ये इस चीज़ से इनको डर लग रहा है कि कहीं पेपर लीक के मामलों की जांच यदि 2013 से लेकर आज तक हो गई तो पूर्ववर्ती सरकार के भी कई ब्यूरोक्रेट्स, कई बड़े नेता और विधायक और वर्तमान सरकार के भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े नेता जो है वो इसके अंदर लपेटे में आएंगे। जिस एसओजी की जांच की बात सरकार कर रही है, उस एसओजी की एसपी कल परसों 2 करोड़ की रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई। वो एसओजी जो भारतीय जनता पार्टी के खान घोटाले के मुख्य अभियुक्त अशोक सिंघवी का फोन भी नहीं खोल पाई, उस एसओजी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सत्ता में बैठे बड़े लोगों को पकड़ पाएगी? क्या कहना है, क्योंकि लोकतंत्र में बात उठाना हर व्यक्ति का अधिकार है, यहाँ विधायक है सदन में बात उठा रहे थे और इस तरह की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश के अंदर जब से ये सरकार बनी है और जितने भी परीक्षाएं हुई, चाहे किसी भी विभाग की हो, सारे पेपर आउट हुए। पिछले विधानसभा के अंदर सरकार एक विधेयक लेकर आई थी और उसके द्वारा इन्होंने ये जनता में संदेश देने की कोशिश की कि हम इस विधेयक के जरिए कार्रवाई करेंगे और भविष्य के अंदर पेपर आउट नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद भी जितने पेपर हुए हैं सारे पेपर आउट हुए हैं। अभी सेकेंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ, हमने उसी दिन हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बनीवाल साहब के निर्देशानुसार बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर में प्रदर्शन किया था और फिर पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय पर इसका विरोध किया था। आज उसी मामले को लेकर हमने विधानसभा, जैसे ही महामहिम राज्यपाल का भाषण शुरू हुआ, हमने उस पेपर लीक के मामले की सीबीआई जांच के लिए वेल में गए, विरोध किया और उसके बाद जब सदन स्थगित हो गया और फिर दोबारा जब 11:55 पर सदन चालू हुआ, हमने फिर विरोध जारी रखा तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें बार बार वार्निंग दी, उसके बाद में मार्शल के द्वारा उठाकर हमें बाहर डाल दिया। क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार सबको है बात रखने का, आपने रखी, आपको सस्पेंड कर दिया।
एक दिन के लिए, क्या ये मुद्दा फिर भी आप लोग लगातार उठाते रहेंगे अब लगातार, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है? बिल्कुल, देखिए हमें पूरा भरोसा है कि युवाओं को, क्योंकि आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी की ताकत, सबसे बड़ी ताकत किसान और जवान है, और जवानों के इस महत्वपूर्ण मामले में आरएलपी चुप नहीं बैठेगी। हमें यदि सरकार से न्याय नहीं मिला तो हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे और पुरजोर तरीके से ये हम प्रयास करेंगे। अच्छा विष्णु, सवाल करिए इनसे, दूध का दूध और पानी का पानी, विष्णु सवाल करिए इनसे, क्योंकि जी एक प्रक्रिया होती है सदन में बात रखने की, कि पहले राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। आप राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है उस बीच में ही अगर आप हंगामा करना शुरू कर देंगे आप वेल तक पहुंच जाएंगे, इसको लेकर क्या कहना है? कितना सही मानते हैं, क्या ये सही है? और इस जो कार्रवाई इनके खिलाफ की गई इसको लेकर क्या कहना है इनका? अब एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, अब एक दिन के लिए बात भी नहीं रख पाएंगे सदन में अपनी। अब बिल्कुल बात करते हैं नारायण जी, क्योंकि लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, एक संवैधानिक पोस्ट है और उसको लेकर उसके दौरान आप लोगों ने किया, चाहे विपक्ष हो, बीजेपी हो या आप लोग हो, तो क्या ये सही था उसकी दृष्टि से, विधानसभा नियम प्रक्रियाओं की दृष्टि से? और अगर सही था तो ये कार्रवाई क्यों की गई? देखिए राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण जो होता है वो सरकार ही लिख के देती है, जो सत्ता पक्ष में जो सरकार होती है वो लिख के देती है, उसको पढ़ते हैं। यदि संवैधानिक पद और इतनी शक्तियां होती तो आज युवाओं को सड़कों मारने की जरूरत नहीं होती। राज्यपाल महामहिम राज्यपाल एक चिट्ठी लिखे, यदि यहाँ की सरकार नहीं मानती तो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे कि युवा उद्वेलित है, प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो अपने आप केंद्र सरकार वहाँ उनकी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के हैं राज्यपाल महोदय, तो कहीं ईडी भेजे, सीबीआई भेजे, जांच कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। कुल मिलाकर जो आपका ये जो था एक्शन वो सही था? बिल्कुल बिल्कुल सही है साहब, ये सदन का प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात रखें, अदरवाइज तो लाखों युवाओं ने सड़कों पे ये पूछिए, क्योंकि बजट सत्र, इस बजट सत्र से जनता को बहुत उम्मीदें हैं कि विपक्षी पार्टी, चाहे विपक्षी हो चाहे पक्ष में नेता हो, वो जनता के मुद्दे सदन में उठाएंगे। अब एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, तो एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। विष्णु इनसे पूछिए कि हंगामा हुआ और कार्रवाई स्थगित कर दी गई कल तक के लिए, अब क्या चाहेंगे कि शांतिपूर्वक कार्रवाई चले या फिर हम आने वाले वक्त में यही तस्वीरें देखेंगे जो आज देखी हमने? अब बिल्कुल, क्योंकि बजट सत्र महत्वपूर्ण है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि आखिरी बजट सत्र है इस सरकार के कार्यकाल का, तो ऐसे में बजट सत्र के दौरान सदन चलना चाहिए, जनता की मांगें उठनी चाहिए, जनता के जो मुद्दे हैं, डिमांड्स हैं वो उठने चाहिए, तो क्या पक्ष और विपक्ष नहीं चल सकता कि ये सदन चले, क्या कहना है? देखिए हम तो ईमानदारी से हैं, आप देख रहे हो पिछले 4 साल से हमने कभी व्यवधान डालने का प्रयास नहीं किया, हम ये चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सदन को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, तो सत्ता पक्ष यदि पूरा प्रदेश मांग कर रहा है और सीबीआई जांच कोई नई नहीं है, जब भंवरी कांड हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने बिना मांगे ही सीबीआई जांच दे दी, बाबूलाल जी नागर के मामले में बिना पूछे सीबीआई की जांच दे दी, तो युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें मुख्यमंत्री जी को उदार मन रखे और ऐसे नहीं कि अपने किसी व्यक्ति ने या अपने किसी आसपास के, ठीक है, कुल मिलाकर ये कहना है नेताओं का कि अगर हमारी बात नहीं रखने का हमें हक नहीं दिया जाएगा तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बहरहाल कल तक के लिए ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।